नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, डोंट लेट दिस अपॉइंटमेंट डिफीट यू, लेट इट ड्राइव यू। जब भी हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि पहले ही अटेम्प्ट में हमें सक्सेस मिल जाए या पहले ही अटेम्प्ट में हमें अपना मनचाहा रिजल्ट मिल जाए, अपना मनचाहा आउटकम मिल जाए। कभी कभी मनचाहा रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो वहां पे आता है दो बातें। क्या दो बातें? आइदर दैट डिसअपॉइंटमेंट विल ड्राइव यू और that disappointment will put you down, let you down। यानी उस moment में जब success या मनचाहा success हमें नहीं मिलता है and disappointment ही हमारे हाथ आते हैं, इतना मेहनत करने के बाद, इतना effort देने के बाद, इतना काम करने के बाद, इतना समय देने के बाद, इतना dedications देने के बाद, इतना पैसा खर्चा करने के बाद, इतना समय बर्बाद करने के बाद, इतना साल देने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिलता है, तो थोड़े टाइम के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट आता है। उस पार्टिकुलर पॉइंट में हम क्या डिसीशंस लेते हैं, दैट इज गोइंग टू ड्राइव टू वेज। एक, हमें क्या ये लेट डाउन करेंगे एंड हमें एक नकारा, निकम्मा, नालायक बनने के रास्ते में लेके जाएंगे, या दैट डिसअपॉइंटमेंट विल ड्राइव यू। यानी चलो ठीक है, इस बार नहीं मिला, चलो और एक बार कोशिश करते हैं। पिछले बार जो जो गलतियां किए हैं, जो जो मिस्टेक्स किए हैं, जो जो शॉर्टकमिंग्स था, उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं, उसको कैसे ओवरकम करते हैं, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमारा परफॉर्मेंस विल बी मच बेटर। यही जंक्शन पे सक्सेस नहीं मिलने के बाद, ये जो जंक्शंस आते हैं, उसमें हमें कौन सा रास्ता लेना है, लेफ्ट में मोड़ना है या राइट में मोड़ना है। नालायक, निकम्मा, एक ठप्पा लगा के खुद को डिसअपॉइंट करना है, खुद को फ्रस्ट्रेट करना है, खुद को एक फेल्योर का स्टंप, एक ठप्पा लगाना है, या उसी डिसअपॉइंटमेंट से लेसन्स लेके उसको एक ड्राइविंग फोर्स बना के, उसको एक ड्राइविंग एनर्जी बना के हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कोशिश करेंगे। यही है डोंट लेट डिसअपॉइंटमेंट डिफीट यू। खुद को हारने मत दीजिए, डिसअपॉइंटमेंट तो आएंगे ही। शायद ही कुछ लोग हैं कि उनको पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेस चक जाए, वो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। ज्यादातर लोगों को हर बार, हर मोड़ पे डिसअपॉइंटमेंट चैलेंज करता है, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन। आप सभी को पता है वो जो लाइट का बल्ब बनाने के रास्ते में उनको 10,000 बार नाकामयाबी का लेवल मिला, एक ठप्पा मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने नाकामयाबी को अपना फेट मान के, अपना मुकद्दर मान के छोड़ दिया? नो, उन्होंने उल्टा क्या बोला कि चलो ठीक है, मेरे को पता चल गया कि इस हिसाब से मैं काम करूंगा तो मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट जो मेरा एक्सपेरिमेंट होगा, जो जो मेरा नाकामयाबी क्या रीजंस है, उस रीजंस को मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक्सक्लूड करूंगा। सिमिलरली हम जब कुछ काम करने के बाद सक्सेस
हाथ में नहीं आता है तो हमें एनालिसिस करना है कि क्या क्या गलतियां हमने किया है, कहाँ कहाँ हमारा थोड़ा सा छूट गया है, उसके ऊपर हमें रिसर्च करना है एंड उसी डिसअपॉइंटमेंट को अपना ड्राइविंग फोर्स, अपना ड्राइविंग एनर्जी बना के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मार्च करना है, मूव करना है, चल देना है, ना कि नालायक की तरह पिछले दरवाजे से भाग जाना है, कभी नहीं। यही है आज के एक छोटी सी बात। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।